इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं एल्केज़ार फेसलिफ्ट के बारे में। अभी इस गाड़ी को लॉन्च होने को थोड़ा बहुत ही टाइम बचा है, क्योंकि ह्यूंडई कोई भी ऐसा मूड नहीं है ह्यूंडई का कि इसका लॉन्च डिले हो। मैं रीज़न अभी आगे वीडियो के अंदर बताऊँगा, उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो वीडियो को शुरू कर दे और वॉच टिल द एंड, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एल्केज़ार फेसलिफ्ट की अगर बात करें तो इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, उसके बारे में डिटेल में आपको प्रीवियसली भी वीडियो के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट तो थी, पिछले वक्त ही अपडेट थी, लेकिन इस बार कन्फर्मेशन के साथ में आ चुकी है रिपोर्ट। तो हमने सोचा एक वीडियो उसके ऊपर बन जाना चाहिए, तो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो भी है, क्वेश्चन क्वेरीज वो कमेंट डाउन कर दो, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला पड़ा है तो वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले इसके इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल एंड 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखने को मिलेगा। 6 स्पीड का मैनुअल एंड 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको डीजल के साथ में मिलेगा, वेयर एज टर्बो पेट्रोल के साथ में आपको 6 स्पीड का मैनुअल एंड 7 स्पीड का डीसीटी प्रोवाइड किया जाएगा। आईएमटी का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई लोग स्पेशली पूछ रहे थे कि आईएमटी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो उनके लिए अभी से रिकमेंडेशन होगी कि या तो फिर आप वेट करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको अगर पसंद है तो डीसीटी की ओर आप जा सकते हो। बाकी पर्टिकुलर अभी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग तो कंफर्म हो चुका है कि डीसीटी आएगा, फिर वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं एडिशनली कुछ मतलब पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में आईएमटी को, जैसे इनिशियली जब आईएमटी को लॉन्च किया था उस वक्त जैसे किया था उस हिसाब से होगा। बाकी लॉन्च अगस्त एंड मान के चलो वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, और 16.7 टू 22 पॉइंट समथिंग के अराउंड आपको एक शोरूम इसकी प्राइसिंग नज़र आएगी। अभी प्राइसिंग के अंदर तो हम हमारे हिसाब से ही आपको एस्टिमेशन फिगर्स का दे रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉन्च की बात करें तो अगस्त के एंड के अराउंड इसको लॉन्च होना ही होना है, क्योंकि मतलब ह्यूंडई की जोरों शोरों से कैमोफ्लेक के साथ में गाड़ी की टेस्टिंग शुरू है अभी। तो बाकी अभी देखते हैं क्या चीज़ें कैसे सेटल डाउन होती है, अभी तक तो रिलायबल हम इसी न्यूज़ के ऊपर है क्योंकि ये न्यूज़ कन्फर्म ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो बाकी अभी वेट एंड वॉच ही करना है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा करेक्शन के साथ में आती हमें नज़र आएगी। तो ये चीज़ है, और बाकी ये चीज़ आपको बतानी थी कि ये कंफर्म हो चुका है, तो अभी तक हमने आपको यही बोला था कि एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी अभी आपको सितंबर का पहला दूसरा वीक उससे ज़्यादा लॉन्च के अंदर डिले देखने को नहीं मिलेगा, ये सीधी सी कन्फर्मेशन वाली बात हो चुकी है। बाकी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की अगर फाइनली बात करें, लास्ट एंड फाइनल फीचर्स एंड वेरियंट्स, यहाँ पे वेरिएंट्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़े बहुत मतलब अभी वाली एल्केज़ार के साथ में जितने वेरिएंट है उससे डबल कर लो, क्योंकि उस हिसाब से प्राइसिंग का भी वो लोग अरेंजमेंट करेंगे और फीचर्स को भी उस हिसाब से मान लो। फीचर्स का टास्क जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि एल्केज़ार को वहाँ पे लॉन्च करने वाले ये लोग जहाँ पे सबसे तगड़ी कॉम्पिटिशन है, तो फीचर्स भी उस हिसाब से ही होंगे, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के अंदर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको महिंद्रा का पूरा ऑलमोस्ट लाइनअप वो लोग तो खाली कर देंगे। मतलब ये प्राइस पॉइंट पे आपको थार 3 डोर, थार 5 डोर, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक, XUV700 वो भी 2.5 लाख रुपए के अराउंड सस्ती कर दिए, कुछ वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वाले निकाल दिए हैं, AX5 सिलेक्ट वाला आ चुका है। तो ऐसे में चलते ह्यूंडई के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाली है, और यही रीज़न है कि वो लोग डिले नहीं करना चाहते, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। और ये चीज़ है अभी तक तो इन्फॉर्मेशन टोटली। बाकी पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।